ब्लैक पैंथर के किंग टीचेला को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ब्लैक पैंथर में उनका किरदार ही कुछ ऐसा था। लेकिन उनके चाहने वालों और उनके प्रशंसकों के लिए पूरी खबर आई जब ये पता चला कि चैडविक बोसमैन 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए हैं। जी हाँ, हॉलीवुड एक्टर चैडविक बोसमैन कुछ सालों से आंतों के कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त चैडविक अपने घर में ही थे। चैडविक बोसमैन 43 साल की उम्र में अपनी चंद फिल्मों के जरिए ही लोगों के बीच एक अमिट छाप छोड़ गए थे। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। चैडविक साउथ कैरोलिना में जन्मे थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। साल 2013 से अपने स्टार टर्न से पहले उन्होंने टेलीविजन में कई किरदार निभाए। उनके निधन पर कई फिल्मी हस्तियां और उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं, साथ ही उनकी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं। उनके द्वारा की गई कई शानदार फिल्में थी जिनमें उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया था। आपको बता दें, मार्शल से लेकर डॉक्टर फाइव ब्लड्स, अगस्त विल्सन की मा रेनीज ब्लैक बॉटम और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने उस वक्त की थी जब उनकी बेहिसाब सर्जरी और कीमोथेरेपी चल रही थी। हालांकि उन्होंने मार्वल सीरीज की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार निभाया था, और यह ऐसा किरदार था जो सभी के मन में एक अमिट छाप छोड़ गया। आपको बता दें कि चैडविक ने अपना आखिरी ट्वीट 12 अगस्त को किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया था। हालांकि 43 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने वो नाम कमाया है जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।